क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज प्रश्न के 2.4 कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6×10⁻⁷ कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। एक बार कहाँ, पहला आपको कहता है गोले के अंदर निकालना है, बी कहता है गोले के ठीक बाहर निकालना है, और सी कहता है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित होता वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यही क्वेश्चन कहता है। तो देखिए, आपको एक तो त्रिज्या दे दिया है 12 सेंटीमीटर। जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 12/100 यानी 0.12, और जो आवेश है उसका भी मान दे दिया है क्यू का मान 1.6×10⁻⁷ कूलम, ठीक है ना। तो तीन कंडीशन में आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, एक बार गोले के अंदर हो, एक बार गोले के ठीक बाहर हो, और एक बार गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित होता। तो आइए लगाते हैं इसको। तो देखिए, आपके पास जो मान दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में ये यही है, यहाँ से इसकी त्रिज्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो त्रिज्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया, आर का मान 12 सेंटीमीटर है। इस समय आप और जो हालांकि इसको पहले मीटर में बदलेंगे तो आर बराबर 12×10⁻²⁰ मीटर, 100 से भाग देंगे तो 12×10⁻²⁰ मीटर आ जाएगा। जो आवेश है क्यू का मान 1.6×10⁻⁷ कूलम आपका है। तो ये क्या कहता है कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र आपको याद करेंगे तो आप मैंने आपको लिखाया भी था कि गोले के अंदर जब विद्युत क्षेत्र पूछता है तो सीधे आप ई का मान जो होगा 0 लिख सकते हैं, ई बराबर 0 हो जाएगा। तो पहला तो ये आपका समाप्त हो गया। बी क्या कहता है कि गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र, कोई गोला है उसके ठीक बाहर अगर विद्युत क्षेत्र पूछता है तो गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4π0×Q/r² 1/4π0×Q/r². तो चलिए, क्यू और आर का मान तो दिया ही है, क्यू का मान आपका जो है देख ही रहे हैं यहाँ पर 1.6×10⁻⁷ है, आर का मान 12×10⁻², तो सूत्र में रख देते हैं। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं हम लोग। रख दीजिए ई वैसे ही रखिए, जहाँ पूरा 1/4π0 है उसका मान 9×10⁻⁹ रखिए, क्यू का मान मैंने कहा ना 1.6×10⁻⁷ रखिए, आर स्क्वायर है और आर के मान आपने देखा है कि 12×10⁻³ है, तो डबल लिखेंगे 12×10⁻²×12×10⁻²। तो अब इसका गुणा आप करेंगे तो जल्द ही आप 9×1.6 वैसे ही 9 में से 7 जाएगा 10², ये देखिए -2 है, नीचे जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10²⁴ आ जाएगा, ठीक है। 16×9=144, तो आपका 16 ऊपर है और बटा में 16, दसमलव हटाएंगे तो नीचे 10, और ये 4×2=6 हो जाएगा, ये ऊपर लेके चले जाएंगे तो ई बराबर ज़्यादा देखिए 6 है तो 10 से 16 से 16 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो 10^4 पहले से 6 है, ऊपर ये लेके जाएंगे 10^-1 और 6 में से 1 जाएगा तो यह ई का मान 10^5 न्यूटन प्रति कूलम, देख रहे हैं न्यूटन प्रति कूलम आपका आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और पोर्शन दिया है ना, सी पोर्शन कहता है। तो अब यहाँ पर आर का मान चेंज कर दिया है, जो आर का मान है 18 सेंटीमीटर का दिया, तो आप इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 18 या 100 से भाग देंगे तो 18×10⁻²⁰ मीटर है, 18 सेंटीमीटर है तो 18×10⁻²⁰ मीटर आपके हैं। तो इसके लिए भी सूत्र यूज करेंगे, ई बराबर 1/4π0Q/r² पूरा 1/4π0 का जो मान हम लोग लिखेंगे 9×10⁻⁹ लिखेंगे, क्यू का मान जो आपके पास है 1.6×10⁻⁷ है, आर का मान 18×10⁻², डबलिंग करेंगे ना स्क्वायर जो है 18×10⁻², उसके बाद से आप इसको पूरा 16×9 में करेंगे तो पूरा जब हल कर देंगे तो ई का मान 4.4×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, इसमें आपके तीन पोर्शन थे और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से और आसानी से आप लगा सकते हैं। धन्यवाद।